आज हम लेकर आए हैं पाया रेसिपी। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं और सब। और देख सकते हैं हमने इसे छे पाया है। एक तपीले में गरम पानी ले लेना है, गरम कर लेना है अच्छे से उबाल आने तक। और इसमें पाया डाल देंगे और नमक आधा चम्मच ऐड करना है गरम पानी में, ताकि अच्छे से इसका ऊपर का निकल जाए। हमें ज़्यादा पकाना नहीं है पाया को, नहीं तो इसका जो गोश है वो निकल जाएगा अच्छे से मांस। तो हमें गर्म पानी में डाल के 2 मिनट रखना है, गैस बंद कर देना है। गर्म पानी हमारा बहुत खोल गया था, पक गया था। तो देख सकते हैं पाया को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, इसका चमड़ी अच्छे से। और रहते तो हम नहीं दिखा पाए, अगले वीडियो में दिखा देंगे जब भी और लेकर आएंगे। और हम गैस ऑन कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेना है, रिफाइंड ऑयल ऐड करना है कढ़ाई में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देना है। हमारे पास इलायची नहीं है तो हम इलायची नहीं डाल रहे हैं। इसमें हम बारीक कटा हुआ कांदा ऐड करेंगे। लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे, जो हमने कद्दूकस लिया था। चाहे तो किसी भी चीज से कूट सकते हैं लहसुन को। कांदा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें हम पाया ऐड कर देंगे। पाया को तेल में अच्छे से भून लेना है, तभी तो अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पाए में। कांदे के साथ अच्छे से पाया हमारा भुन गया है, इसमें मसाला ऐड कर देंगे। धनिया, मिर्चा और हल्दी है, गरम मसाला, तीनों मिक्स करके और पानी डाल दिया था। इसमें टमाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है बिना टमाटर का। अब बोलेंगे मसाला इसमें कुछ इतना नहीं दिख रहा है, तो बस इसके साथ भी, मसाले के साथ भी भुनेंगे 2 मिनट अच्छे से। 2 मिनट हो चुका है, हम अच्छे से भुन गया है और इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि ये हमारा पाया हल्का गल जाए और अच्छे से। ढककर पकाएंगे इसे 2 मिनट के लिए, 2 से 3। नमक ऐड कर देना, आप अपने हिसाब से नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। से ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं कितना मस्त बनके रेडी हुआ है, तेल भी निकल आया है। और हम गैस बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। दाल चावल रोटी के साथ इसे खा सकते हैं।